हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए। बात करेंगे आयरलैंड में वर्क राइट्स के बारे में कि पढ़ाई करने के बाद आप कितने टाइम तक आयरलैंड में स्टे बैक कर सकते हैं, और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में, तो हम लोगों से जुड़िए, कनेक्ट कीजिए। हमारी टीम कोशिश करेगी आपको हेल्प करें, गाइड करें एंड आपके सपने को साकार करें। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट स्टडी वर्क राइट के बारे में। बैचलर्स की ऑनर्स डिग्री अगर आप कर रहे हैं, नॉर्मल बैचलर्स नहीं, बैचलर्स ऑनर्स डिग्री, जो कि लेवल 8 पे आता है आयरलैंड के केस में, तो पढ़ने के बाद आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। जी हाँ, बैचलर्स ऑनर्स करने के बाद 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि लेवल 9 में आता है, उसको अगर आप कर रहे हैं आयरलैंड में, तो 24 मंथ्स यानी 2 साल 24 महीने यानी 2 ईयर्स का आपको वर्क परमिट जो है वो आयरलैंड के केस में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मिलता है। आगे जाके बहुत से प्रोविजन रहते हैं जिसके थ्रू आप परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है आयरलैंड के केस में, और उसके बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, लेके आएंगे और आपके साथ वो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।